हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक का एक और चैप्टर। जी हाँ, उस दूसरे चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इससे पहले हमने एक पोयम की थी और इस वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर को लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इस लेसन को लिखने वाले जो है वह एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिनका नाम है खुशवंत सिंह। जी हाँ स्टूडेंट्स, खुशवंत सिंह जो है वह इंग्लिश के टॉप राइटर्स में से एक माने जाते हैं। और इस लेसन के अंदर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वह अपनी दादी जी के साथ में बिताए गए समय को एंजॉय किया करते थे। इसमें उन्होंने बताया है कि अपनी दादी के साथ एंजॉय करते समय वो समय जो उन्होंने गांव में बिताया और शहर में बिताया, और उस दौरान क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, कैसे कैसे बातें उन्होंने सीखी है, समझी है, उन सबको इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता लगता है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, और ए लेडी यानी कि एक तस्वीर, एक महिला की तस्वीर का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और ये महिला उनकी वही दादी माँ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को, जिसके अंदर हम देखेंगे इस लेसन की इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इसके जो सेंटेंसेस है उनको हिंदी इसके ट्रांसलेशन को देखेंगे, साथ ही साथ हम इसके जो मीनिंग्स हैं, जो हार्ड मीनिंग्स हैं, उनको भी हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस लेसन को। देखिए लिखा है, माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ किसी भी और की दादी माँ के समान एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। वह पिछले 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था, इतनी ही बूढ़ी थी। मतलब यह बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से जब से वो देखते आ रहे हैं, दादी माँ वैसी ही बनी हुई है, उतनी ही बूढ़ी बनी हुई है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते थे कि कभी वह जवान और सुंदर थी। देखिए, प्रीटी का अर्थ है जवान, सुंदर। प्रीटी का अर्थ होता है सुंदर। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी हुआ करता था। ए हस्बैंड यानी कि पति, उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना, बिलीव मतलब विश्वास करना, क्या है, मुश्किल था। बिलीव मतलब विश्वास, विश्वास करना मुश्किल था। माय ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का चित्र, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, और वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। मेंटल पीस मतलब चिमनी, ठीक है, उसे कहते हैं मेंटल पीस। तो वो जो मेंटल पीस बना हुआ था उसके ऊपर उनका चित्र टंगा हुआ था। अब आगे देखिए, यहां पर दादाजी का चित्रण किया गया है, थोड़ा सा बताया गया है। लिखा है, ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी है। टर्बन मतलब होता है पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले, लूज फिटिंग का मतलब है ढीले ढीले वस्त्र पहने, ढीले ढाले से वस्त्र पहने। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी ने उनके सीने का सबसे अच्छा भाग ढक रखा है। सबसे अच्छा भाग मतलब ये जो सीने का पार्ट होता है, ऊपरी भाग जो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। And he looked at least 100 years old. और वह लगभग 100 साल बूढ़े दिखते हैं। कौन दिखते हैं, दादाजी, किसमें, उस तस्वीर में। अब आगे देखिए, He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते जिसकी कोई पत्नी या बच्चे हो। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं। आगे देखिए, He looked as if he could only have lots and lots of
ग्रांड चिल्ड्रन, वह ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिनके बहुत से पोते पोतियां हो। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब था पोते पोतियां, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, पोते या पोतियां। नेक्स्ट देखिए अगली लाइन क्या कहती है, एज फॉर माई ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहां तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह विचार ही लगभग विरोधाभासी है, मतलब कि विद्रोह वाला है, ठीक है। यानी कि यहां पर लेखक कहना चाहते हैं कि इस बात पर विश्वास करना क्या है, बहुत मुश्किल है कि दादी कभी जवान हो ही नहीं सकती थी, दादी कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि जब से वह दादी को देख रहा है तब से दादी कैसी है, बूढ़ी है, और क्या है, वह जवान सुंदर भी नहीं दिखाई देती है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स ही यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह अक्सर हमें उन कहानियों के बारे में बताती है जो कि वह एक बच्चे के रूप में खेला करती थी, सॉरी गेम्स के बारे में बताती है जो कि वह एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यह उसके ओर से बड़े ही एब्सर्ड, मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, ठीक है, बेकार, या यूं कह सकते हैं कि हम बुरे और अनडिग्निफाइड, मतलब गरिमाहीन, जिसमें गरिमा ना हो, गरिमाहीन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस, और वह बातें जो हमें बताया करती थी उसे हम प्रोफेट्स यानी कि भविष्य बताने वाले लोगों की फेबल्स, किस्से या कहानियों, ठीक है, कथा, यहां पर मैं लिख देता हूं कथा, और प्रोफेट्स का मतलब होता है भविष्य बताने वाले, या हाँ लिख देता हूं मैं यहां आपके लिए, भविष्य बताने वाले। आगे देखें, She had always been so short and fat and slightly bent. वह हमेशा से थोड़ी छोटी, short का मतलब होता है छोटे कद की, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं आपके लिए छोटी, और fat यानी कि मोटी, और slightly मतलब होता है थोड़ी सी, slightly मतलब थोड़ी सी, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं थोड़ी सी, ठीक है। और आगे लिखा है bent, bent का मतलब झुकी हुई, झुकी हुई थी, ठीक है, यानी कि दादी कैसी थी, थोड़ी उसका उनकी हाइट कम थी, वह मोटी थी और उनकी कमर क्या थी, झुकी हुई थी, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके चेहरे पर हर कहीं आड़ी तिरछी, क्रिस क्रॉस मतलब होता है आड़ी, आड़ी तिरछी रिंकल्स थी, रिंकल्स का क्या होता है, झुर्रियां, झुर्रियां, मैं यहां आपके लिए इसे लिख देता हूं झुर्रियां, जो हर जगह थी, यानी कि दादी के चेहरे के ऊपर क्या थी, झुर्रियां थी, और झुर्रियां कैसी थी, आड़ी तिरछी, हर जगह छाई हुई थी। स्टूडेंट फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये मीनिंग आप लोग नोट कर सकें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे खुशवंत सिंह अपनी दादी जी के बारे में क्या बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि जैसा हम जानते थे वह वैसी ही थी, मतलब दादी को कैसा जानते थे, वो दादी को जानते थे कि वह बूढ़ी थी और सुंदर नहीं थी, वह वैसी ही थी। Old, so terribly old that she could not have gone older. वह इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर
20 years, और वह पिछले 20 सालों से उसी अवस्था में रुकी हुई थी। मतलब वह एक भी दिन बूढ़ी नजर नहीं आती थी। ऐसा अक्सर होता है जब बूढ़े लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका चेहरा ज्यादा बदलता नहीं है, उनका चेहरा लगभग एक जैसा ही बना रहता है। तो यहां पर लेखक की जो दादी है वह भी पिछले 20 सालों से एक जैसी ही दिखाई दे रही थी, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही थी। She could never have been pretty. वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। But she was always beautiful. लेकिन वो हमेशा से कैसी थी? सुंदर थी। हमेशा से क्या थी? सुंदर थी। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ सुंदर। यहाँ अभी बात देखिए, वो कह रहा है कभी वो खूबसूरत नहीं हो सकती लेकिन सुंदर थी। इसका अर्थ क्या है कि दादी का व्यवहार अच्छा था, दादी की जो बातें थी वो अच्छी थी, दादी जो शिक्षा देती थी वो अच्छी थी, तो वो शिक्षाएं सुंदर थी। देखने में उसे दादी सुंदर नहीं लगती थी लेकिन दादी का व्यवहार, दादी की बातें, दादी की शिक्षाएं क्या था? बड़ा ही सुंदर था। इसलिए वो यहाँ पर इस प्रकार के दोनों बातें बोलता है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट व्हाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वह अपने एक हाथ को अपने कमर के ऊपर रखकर दूसरे हाथ से मोतियों की माला को फेरते हुए, घुमाते हुए, सफेद कपड़े पहने हुए पूरे घर में घूमती फिरती थी। क्या करती थी? घूमती रहती थी। कपड़े कैसे थे? स्पॉटलेट वाइज, मतलब कि बिना दाग वाले सफेद। स्पॉटलेस का मतलब होता है बिना दाग के। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, बिना दाग वाले। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। हॉबल्ड मतलब मंडराना या घूमना। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए घूमना, ठीक है, क्योंकि मंडराते नहीं है भैया घर में, क्या करते हैं? घूमते हैं। वेस्ट का मतलब होता है कमर, वेस्ट मतलब होता है कमर। कमर कैसी थी? झुकी हुई थी। बैलेंस मतलब क्या होता था? संतुलन बनाए रखती थी वो। ये देखिए यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं संतुलन शब्द। अब आगे देखिए क्या है। वन हैंड रेस्टिंग यानी कि एक हाथ टिकाए हुए, कहां पर? कमर पर टिकाए रहती थी। यहां पर लिखा है टेलिंग, टेलिंग का मतलब बताना नहीं है बल्कि क्या है? माला घुमाना। बड़े बूढ़े लोग क्या करते हैं? मोतियों की माला को क्या करते हैं? घुमाते रहते हैं, उसे कहते हैं टेलिंग। ठीक है, रोजरी, रोजनिक रोजरी उस माला को कहते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए माला, रोजरी मतलब माला। ठीक है, आगे बढ़े। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्यूकर्ड फेस। उसके सफेद बाल, सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है? सफेद बाल। सफेद बालों को वो क्या कह रहा है? सिल्वर लॉक्स कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो बाल चांदी के समान दिखाई दे रहे हैं। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं बिखरे हुए, बिखरे हुए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अनटाइडली मतलब कि स्कैटर्ड, अनटाइडली मतलब बिखरे हुए हैं इधर उधर, पता नहीं कोई इधर बिखर रहा है कोई उधर बिखर रहा है। ठीक है, ओवर हर पेल, पेल का अर्थ क्या होता है? पेल का अर्थ होता है पीला, पेल का अर्थ है पीला। प्यूकर्ड मतलब पोपला, यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए पोपला। जो चेहरा कैसा है? पोपला है उसका, दादी का चेहरा पोपला है। ठीक है, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंट लगातार न सुनी जा सकने वाली प्रार्थनाओं में हिलते रहते थे। इनऑडिबल मतलब होता है जिसको सुना ना जा सके, जो सुना न जा सके, इनऑडिबल। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का अर्थ होता है लगातार। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए लगातार। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है आगे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द वाइट विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह एक पर्वतों में स्थित, माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? पर्वत, पर्वतों में स्थित
ठंडी भूदृश्य के समान थी। ठीक है, विंटर का मतलब है सर्दियां, ठीक है, या यूं कहे कि ठंडे, यहां इसका अर्थ क्या आ गया, ठंडी। ठीक है, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए भूदृश्य। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक ऐसा फैलाव, एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव या विस्तार, यहां मैं आपके लिए लिखता हूं फैलाव। ठीक है, प्योर मतलब शुद्ध और वाइट सेरेनिटी मतलब शुद्ध सफेद पवित्रता, सेरेनिटी का मतलब पवित्रता। यहां देखिए, यहां इस शब्द का प्रयोग लेखक पवित्रता के लिए करता है, मतलब वो अपनी दादी को कैसे देखता है, एक शुद्ध पवित्रता है जो क्या सी है, फैली हुई है। ठीक है, आगे देखो, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो कि शांति से, पीस का अर्थ क्या है, शांति से, शांति और संतोष से सांस लेता है। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, संतोष, मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं संतोष या संतुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि हम लोग फटाफट से नेक्स्ट पैराग्राफ को ले सकें और उसका भी ट्रांसलेशन देख सकें और उसके मुश्किल मुश्किल शब्दों को भी हम लोग पढ़ सके, आइडेंटिफाई कर सके। चलिए स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ हम लोग निकाल लेते हैं और पढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा है, माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर। मेरे पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता मुझे उनके साथ रहने के लिए छोड़ गए। कहाँ चले गए, वो शहर में चले गए और हम लगातार एक साथ रहने लगे। कौन साथ साथ रह रहे, दादी और पोता दोनों क्या रह रहे हैं, साथ साथ में रहे हैं। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, पोते को दादी के पास छोड़कर माता पिता चले गए थे। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, टुगेदर का अर्थ है साथ में। आगे देखिए, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह मुझे उठाया करती थी। वेक अप, ये पूरा एक शब्द है, वेकअप मतलब होता है उठाना, नींद से उठा देना, उसे कहते हैं वेकअप। आगे देखो, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपनी सुबह की प्रार्थनाओं को धीमे धीमे गीत के रूप में गाया करती थी। वाइल शी बेद एंड ड्रेस मी, जबकि वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, इस उम्मीद में कि मैं उन्हें दिल से याद कर लूंगा। दिल से याद कर लूंगा मतलब मुझे बिना देखे ही वो क्या हो जाएंगी भाई, याद हो जाएंगी। मैं उन्हें जैसे ही सुनूंगा तो क्या करूंगा, याद भी कर लूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। लिसन का मतलब होता है सुना, सुनना, सुनना। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उन्हें सीखने की परवाह नहीं की। बॉदर्ड मतलब होता है परवाह करना या चिंता करना, मैं आपके लिए लिख देता हूं परवाह करना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है आगे, देन शी वुड फैच माय वुडन स्लेट, तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट को ले आती। फैच का मतलब होता है लाना, फैच मतलब होता है लाना, वुडन का मतलब है लकड़ी की, लकड़ी। देखिए आगे क्या लिखा है, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसे वह पहले से ही धोकर उस पर पीली
चौक से प्लास्टर कर देती थी। पुराने समय में बच्चे कैसे पढ़ते थे भाई, पुराने समय में बच्चों को लकड़ी का एक फट्टा दिया जाता था जिसके ऊपर क्या किया जाता था, पीली खड़िया मिट्टी को एकदम हल्का पतला पतला पेस्ट लगाकर उसको सुखा दिया जाता था और जब वो सूख जाती थी तो बच्चे उसके ऊपर लिखा करते थे, यही उनकी कॉपी यानी कि नोटबुक हुआ करती थी। तो दादी जी भी क्या करती थी अपने पोते के लिए इसी तरह से वह स्लेट को तैयार करती थी। ठीक है, ए टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, और मुझे एक छोटा, टाइनी मतलब होता है छोटा, आगे देखो क्या लिखा है, अर्थन यानी कि मिट्टी का इंक पॉट का मतलब होता है जिसमें स्याही रखी जाती है, एंड ए रेड पेन और एक लाल पेन दे दिया जाता, टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सब को एक बंडल में बांध दिया जाता है। टाई का मतलब होता है बांधना, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया जाता था आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, एक मोटी, थिक का मतलब होता है मोटी, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, थिक का मतलब है मोटी, और कैसी है वो, स्टेल है, स्टेल का मतलब होता है बासी, रात भर से जो पड़ी हुई है बासी रोटी। ठीक है, विद लिटिल बटर, बटर का मतलब क्या है, मक्खन, आगे देखिए क्या लिखा है, शुगर स्प्रेड यानी कि स्प्रेड मतलब फैलाना। नेक्स्ट देखिए, ऑन इट, एक मोटी बासी चपाती के ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर को फैलाने के बाद यानी कि इसका नाश्ता वो करता था, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते, नाश्ता क्या था भाई, एक मोटी रोटी थी, कैसी, बासी, जिसके ऊपर क्या था, थोड़ा बटर था यानी मक्खन था और क्या था, थोड़ी सी चीनी थी, इसका नाश्ता होता था और वो उसके बाद में स्कूल दोनों जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वह अपने साथ बहुत सी बासी रोटियां भी गांव के कुत्तों के लिए ले लिया करती थी। Carried मतलब लेना, साथ में ले लेना। ठीक है, Several मतलब बहुत सी। ठीक है, और हमने already stale का मतलब लिख दिया है यहाँ पे, देखिए बासी ले लेना। ठीक है, आगे देखें इसका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अगले पैराग्राफ के लिए, देखिए क्या कहता है अगला पैराग्राफ, यहाँ पे दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं, लिखा है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल गांव के मंदिर से जुड़ा हुआ था। अटैच का मतलब होता है जुड़ा हुआ। नेक्स्ट देखिए अगली लाइन में क्या लिखा है, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, पुजारी हमें अक्षर सिखाया करता था। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं इसे पुजारी। नेक्स्ट क्या है, टॉट मतलब सिखाना, यहां लिखता हूं मैं आपके लिए सिखाना। आगे देखें, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और साथ साथ में क्या सिखाता था, सुबह की प्रार्थना भी वह सिखाया करता था। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, jabki bacche baramde mein, dekhiye yahan likha hai baramda mein, panktiyon mein baithte the, yani dono taraf kya karte the, pankti bana lete the aur aksharon ko ya prarthnaon ko ek sur mein, chorus ka matlab hota hai ek sath एक सुर में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी और धार्मिक किताबों को, उपनिषदों को पढ़ा करती थी। मैं आपके लिए इसके मीनिंग लिख देता हूं, रोज का मतलब होता है पंक्ति
या कतार, यहां मैं आपके लिए लिखता हूं कतार या लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, वही अर्थ रॉस का भी है। वरांडा बरामदा, ठीक है। अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षर, अक्षर, ठीक है। हर लैंग्वेज के अपने अक्षर होते हैं। आगे क्या लिखा है भाई, कोरस, कोरस का मतलब होता है एक साथ, एक सुर में, एक सुर में, है ना, सुर में, सात सुर होते हैं संगीत में, उसी प्रकार से ये बच्चे साथ में गाते थे। स्क्रिप्चर्स मतलब होता है उपनिषद, निषद, उपनिषद, ठीक है। आगे बढ़े, क्या लिखा है, When we had both finished, जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते, we would walk back together, तो हम दोनों वापस साथ में लौटते। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस बार गांव के कुत्ते हमसे मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे, ठीक है। फिर क्या होता था, they followed us to our home, वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना, गुर्राना, कुत्ते गुर्राते हैं आपस में, ठीक है। एंड फाइटिंग, और क्या करते थे, लड़ते थे। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए, उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें फेंका करते थे, कुत्तों की तरफ, दादी रोटी फेंकती थी और ये बच्चा भी रोटी फेंकता था, और क्या होता था, ये कुत्ते उनके लिए क्या करते थे, लड़ते थे। आगे देखें क्या लिखा है, When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर के अंदर आराम से सेटल हो गए, ठीक है, सेटल हो गए मतलब उनका जीवन, उनकी नौकरी, सब क्या हो गए, स्थिर हो गई भाई, व्यवस्थित हो गए थे। कंफर्टेबली मतलब आराम से, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं आराम से, ठीक है। आगे बढ़े, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें क्या कर लिया, बुलवा भेजा। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवा लेना, बुलवा लेना, ठीक है। हम लोग किसी को बुलाने के लिए भेजते हैं, उसे क्या कहेंगे, सेंट फॉर, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप, ये हमारी दोस्ती में क्या था, एक बदलाव था। Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही कमरे को बांटते थे, यानी अब दादी और पोता एक ही कमरे में तो रह रहे हैं। My grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी माँ अब और अधिक मेरे स्कूल नहीं आ पाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं अक्सर एक मोटर बस में अपने इंग्लिश स्कूल जाया करता था। यूज्ड टू का अर्थ क्या है, यूज्ड टू एक मॉडल है भाई, ठीक है, पास्ट की बातों को बताने के लिए किया जाता है, इनका कोई अपने आप में स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता है। आगे देखें, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और उन्होंने हमारे घर के, हमारे शहर के घर के बरामदे में चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया। स्पैरोज का मतलब क्या होता है, स्पैरोज मतलब है चिड़िया, ठीक है, चिड़िया, मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर चिड़िया, ठीक है। और क्या है, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब क्या है, अहाता, खुली जगह जो होती है उसे हम अहाता कह देते हैं घरों के अंदर, ठीक है, या फिर अहाता, या फिर क्या कहेंगे, बरामदा, बरामदा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, As the years rolled, जैसे वर्ष बीतते गए, we saw less of each other, हम एक दूसरे को कम और कम देखते रहे। For some time she continued to wake me up, वह कुछ समय तक मुझे लगातार उठाती रही। And get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, मैं जब वापस स्कूल से लौटता, she would ask me, वह मुझसे अक्सर पूछा करती थी। क्या पूछा करती थी, आगे अगले पैराग्राफ में है, तो स्टूडेंट्स फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये मीनिंग्स को नोट कर पाए, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है, पूछने के बारे में बता रहा है यहां पे, वॉट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया था, हमें स्कूल में क्या बताया गया, क्या सिखाया गया, यहां पर ये बात
वो टीचर से बच्चे से अपने पोते से पूछा करती थी। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, लिखा है आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे उन अंग्रेजी शब्दों को बताता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मैं पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताया करता, एंड लर्निंग, और जो सिखाया जाता था उसके बारे में भी बताया करता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं इसको सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द वर्ल्ड बींग राउंड, यह संसार गोल है, ठीक है, बींग राउंड का मतलब क्या है, गोल है, ईटीसी यानी इत्यादि, दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह क्या होती, दुखी हो जाती थी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माय लेसंस, वह मेरे लेसंस में मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाने वाली चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures, और इस बात से भी परेशान थी, विचलित थी कि वहां पर यानी कि इंग्लिश स्कूल के अंदर ईश्वर और उपनिषदों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, विचलित या परेशान, या यूं कह सकते हैं कि दुखी, एक ही बात है, ठीक है। और आगे बढ़े, लिखा है One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन आकर मैंने बताया कि हमें music lessons दिए जाएंगे, मतलब संगीत सिखाया जाएगा, स्कूल के अंदर संगीत को सिखाने का प्रोग्राम होने वाला है। She was very disturbed. वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। Disturbed का मतलब भी क्या है, परेशान, ऑलरेडी हम लोग यहाँ मेंशन कर चुके हैं। To her music had lewd association. उसके अनुसार म्यूजिक का संबंध, संगीत का संबंध ल्यूड एसोसिएशन, मतलब कि निम्न घरानों से होता है, यानी कि नीचे लोगों से या गिरे हुए लोगों से, नीचे लोग या गिरे हुए लोग, ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जिनका घराना बड़ा नहीं है, ठीक है, ल्यूड एसोसिएशन। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बैगर्स, यह हरलॉट्स और बैगर्स यानी कि वेश्याओं और भिखारियों के अधिकार का क्षेत्र है। हरलॉट्स का मतलब है वेश्या, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए वेश्या, ठीक है, और बैगर्स का मतलब होता है भिखारी, भिखारी, और क्या लिखा है देखिए, मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यहां लिख देता हूं मैं एकाधिकार, ठीक है, देखिए आगे बढ़े क्या लिखा है, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, और यह जेंटल फोक्स के लिए यानी कि सभ्य सभ्य लोगों के लिए नहीं बने हैं, यानी कि संगीत का निर्माण दादी जी के अनुसार सभ्य लोगों के लिए नहीं हुआ है। आगे देखें, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस meant disapproval, लेकिन उनकी शांति, उनकी चुप्पी का अर्थ क्या था, disapproval, असहमति, असहमति यानी उनकी सहमति नहीं थी, राजी नहीं थी। She rarely talked to me after that, इसके बाद वह मुझसे मुश्किल से ही बात किया करती थी, कभी कभार ही बात किया करती थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर का पहला हिस्सा, और इस वीडियो में आज इतना ही, इसके शेष हिस्से को, बाकी के भाग को हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जैसे दूसरे विद्यार्थी भी इसे देखें और लाभ को प्राप्त कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।